नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपिक स्थान में और मैं यश आर्य आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के ऊपर विधर्मियों द्वारा लगाए जाने वाले एक आक्षेप की, जिसमें वो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम तो एक भोगी किस्म के व्यक्ति थे, वो अन्य स्त्रियों का नाच देखते थे और उसी समय बैठ करके भगवान श्री राम माता सीता को मधु नामक मदिरा का पान भी कराते थे और वह मांस का भी भंजन करते थे। तो आज हम देखेंगे कि ये बात कितनी सही है। तो पहले हम जानते हैं कि ये बात का रेफरेंस क्या है। इस बात का रेफरेंस है उत्तरकांड। उत्तरकांड का 42वां सर्क का 16वां 17वां 18वां श्लोक, उसमें ये तीनों बातें विदित हैं। तो आज इसको हम डीबंक करने वाले हैं, या तुम कह लो इसको उड़ाने वाले हैं। उत्तरकांड के ऊपर भी कभी वीडियो लेकर आएंगे जल्दी सून, लेकिन अभी के लिए इस आक्षेप का हम खंडन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है भगवान श्री राम अन्य स्त्रियों का नृत्य देखने से। तो हम भी शुरुआत वहीं से करते हैं और आपको बताते हैं कि लक्ष्मण जी का ऐसे कुकृत्यों पर क्या मत था। लक्ष्मण जी जब किष्किंधापुरी में जाते हैं सुग्रीव के ऊपर क्रोध होकर, तो सुग्रीव भी वहां पर ऐसे ही नृत्य देख रहा होता है और मदिरा का पान कर रहा होता है। तो लक्ष्मण जी को रोकने के लिए उनकी मैया तारा आती है यानी, और लक्ष्मण जी से कुछ बातें कहती हैं। तो लक्ष्मण जी उनके उत्तर में कहते हैं कि धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह का मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ धर्म और काम तीनों का ही नाश हो जाता है। अब हम सबको पता है कि भगवान श्री राम कितने बड़े धर्मात्मा थे। वो एकदम परम पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके नाम के आगे भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम लगाते हैं। तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे कार्य तो नहीं करने वाले हैं। यहाँ से रघुकुल के लोगों की हमें ये पता पड़ गया माइंडसेट क्या था उन लोगों का इन सब कार्यों के विदित में। चलिए अब एक और बात मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर पराई स्त्रियों का नृत्य देखने वाली बात भी डिबंक होने वाली है। तो मैया तारा जो है वो लक्ष्मण जी को समझाने के बाद उनसे कहती हैं कि ये जो आप हे महाबाहु लक्ष्मण, आपने ये जो पराई स्त्रियों की वजह से हमारे कक्ष में प्रवेश नहीं किया है, यानी कि पराई स्त्रियों को देखना अच्छे पुरुषों का आचमन नहीं, इससे आपने अपने सदाचार की रक्षा की है, इसलिए अब आप अंदर आ जाइए। यहाँ से आप ये बात समझ सकते हैं कि आखिर लक्ष्मण जी जो हैं वो कितने ज़्यादा परम पवित्र हैं कि वो दूसरी स्त्रियों को देख भी नहीं रहे, और भगवान श्री राम दूसरी स्त्रियों का नृत्य देखेंगे, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। अब जो दशरथ आदि भगवान श्री राम महाराज दशरथ इत्यादि ये सभी लोग थे, वो मनुस्मृति के विधान को मानते थे। तो आइए जानते हैं मनुस्मृति इस बारे में क्या कहती है। मनुस्मृति के 7वें अध्याय का एक श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है कि जो काम से उत्पन्न होने वाले 10 विकार हैं वो किसी भी राजा में नहीं पाए जाने चाहिए। यदि किसी राजा में ये एक भी विकार होता है तो उसका राज्य सफलतापूर्वक नहीं चल पाता। और वो 10 काम उत्पन्न विकारों में पता है क्या आता है? स्त्रियों का नाच देखना, नाच करवाना और नाचना और गाना बजाना, और साथ ही साथ चरस अफीम मद्य आदि मदिरा का पान करना भी वे 10 काम उत्पन्न अवगुणों में आता है। अब भगवान श्री राम जो इतने बड़े राजा हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो मनुस्मृति की बातों को मानते हैं, क्या वो मनुस्मृति के विरुद्ध कोई कर्म करेंगे? कतई नहीं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं वाल्मीकि रामायण से कि भगवान श्री राम का चरित्र और स्वभाव कैसा था। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के पहले सर्ग में ऐसा उल्लेख आता है कि जो भगवान श्री राम हैं वो परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दान दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र। परम पवित्र शब्द यहाँ पर उल्लेखित किया गया है भगवान श्री राम के लिए, इसका मतलब उनके अंदर कोई भी विकार नहीं था, यानी कि उनके अंदर काम से उत्पन्न होने वाले ये 10 विकार भी नहीं थे, तो वो ऐसे कर्म कर ही नहीं सकते। जब विकार ही नहीं है, जब कार्य का कारण ही उत्पन्न नहीं हुआ तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल सा रूल है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान श्री राम ने कभी भी ना तो स्त्रियों का नाच देखा, और नाच नहीं देखा तो मदिरा का पान भी उन्होंने नहीं किया, और मांस का सेवन भी माता सीता को नहीं करवाया। तो ये बात पूरी झूठी साबित हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भगवान श्री राम अच्छे राजा थे, ये तो दिखाओ, तभी तो हम मानेंगे कि राजा जो है अच्छा होगा, तो उसके अंदर काम उत्पन्न अवगुण नहीं हो सकते। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। रामायण के युद्ध कांड का 116वां यानी कि सबसे आखिरी सर्ग में जब भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन आता है, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है आप सुनिएगा।
कहा जाता है भगवान श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सब अपने अपने धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। अब सोचो, जब प्रजा भी धर्म का आश्रय लेकर रह रही है तो इसका मतलब राजा का शासन अति उत्तम परमोत्तम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो लक्ष्मण जी को पसंद है ये सब देखना, ना ही श्री राम के स्वभाव में ये है कि भाई ये काम से उत्पन्न उनके अंदर अवगुण हो, तो ये अब ये दोनों ही बातें हैं नहीं। मनुस्मृति को भगवान श्री राम मानते हैं, उन्होंने कहा भी है किष्किंधा कांड में कि बाली को मैंने मनुस्मृति के अनुसार दंड दिया है। तो इन सब के बातों के अनुसार तो उत्तरकांड का ये सर्ग पूरा का पूरा प्रक्षेप सिद्ध होता है। और अब यदि कोई भी विधर्मी आपके आप सामने आए तो आप उसे ये प्रूफ दिखा करके, इन पॉइंटों को बता करके इस बात का खंडन कर सकते हैं। चलिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जानकारी फैलाने के लिए शेयर कर दीजिए। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्ते।